अगेन आज है हमारा सेकंड डे इन न्यूयॉर्क। हम फिर से निकल पड़े हैं घूमने। होटल से हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे थे, रात घर लेट पहुंचे, फिर सोकर लेट उठे, तो अब जल्दी जल्दी निकलना था। आज हम लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। तो आज हम न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी एक्सप्लोर करेंगे अगेन। मैडम तुषाद जाएंगे और 9/11 जाएंगे जो कि कल बंद हो गया था, हम नहीं जा पाए थे। और देखते हैं और कहाँ कहाँ जाएंगे, शायद ब्रुकलिन ब्रिज भी जाएंगे। तो हमारे साथ आप भी बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और देखें कि हमने आज का दिन कैसे स्पेंड करा और आज हम क्या क्या गड़बड़ करते हैं। कल तो हमने बहुत सारी गड़बड़ करी थी। चलिए, तो हम आ चुके हैं न्यूयॉर्क सिटी में, टाइम स्क्वायर आ चुके हैं, फिर से निकल रहे हैं घूमने। बस से आए, बस से छोड़ा और अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया। तो पहले हम ढूंढेंगे कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट, फिर आपको मिलेंगे मार्केट में। इंडिया चिली एट टाइम स्क्वायर, तो चलते हैं इसके अंदर और करते हैं लंच। लिखा हुआ है और ये है इसके सामने इंटरनेशनल यूनियन ऑपरेटिंग इंजीनियर होटल 9491। तो चलते हैं अंदर। नो पब्लिक रेस्टरूम्स। क्यारू ने खाए हैं गोलगप्पे। ये देखिए न्यूयॉर्क में ये वाला स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगा देखने के लिए। यहाँ मैं देख रही हूँ टाइम स्क्वायर पे मैक्सिमम बिल्डिंग्स इसी तरह की हैं जिनके घर के बाहर ऐसे स्टेयर्स जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इन स्टेयर्स का यूज कैसे करते हैं, तो मुझे पता चल गया है ये स्टेयर्स बेसिकली इमरजेंसी एस्केप होती है। इमरजेंसी एस्केप लाइक आपके घर में आग लग गई तो आप यहाँ से फटाफट भाग जाओगे। तो हम लोग आ चुके हैं वापस न्यूयॉर्क की सड़कों में और अब हम जा रहे हैं मैडम तुषार। कम 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 यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, 12 बजे यहाँ क्राउड लगता है, काफी खाली सड़कें थी, लेकिन अभी जैसे ही 2 बज गए हैं अभी दोपहर के, लोग आने शुरू हो गए और रात के 10 बजे से तो यहाँ पे जो क्राउड होता है, आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती।
Yeah.
लिया है लेमोनेड, लेमोनेड इनका
synthetics offer 24 times stronger protection against engine-killing contaminants than the industry-leading synthetic to ensure your car still runs like new, year after year. Get 24 times stronger protection with Valve. ट्रेड सेंटर से भी देखा था, एक्चुअली ऐसे दिखता है। ट्रेड बिल्डिंग के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ से आप अपनी टिकट बाय कर सकते हो। जब मैं आपको बोल रही थी कि टिकट कुछ 45-46 का है, नहीं ऐसा नहीं है। टिकट का डिपेंड करता है कि आपको किस फ्लोर पे जाना है और क्या क्या देखना है। अगर आपको सबसे ऊपर जाना है, म्यूजियम देखना है, तो अलग रेट है। और करीब करीब $90 का पर पर्सन का टिकट है। चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली कैमरास के थ्रू आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे पुराना न्यूयॉर्क
कंस्ट्रक्शन का ही चल रहा है कि कैसे कंस्ट्रक्शन होती थी पहले। ये 1930 में बनी थी, ये है यहाँ पे म्यूजियम। उसमें ये दिखा रहे हैं टाइम पे कैसे होता है, ये पहले का सिस्टम है, कैसे काम करता है। ये देखो यहाँ पे ये है, और इन्होंने इस बिल्डिंग पे अटैक कर दिया है। किंग कॉन्ग ने, और किंग कॉन्ग के अटैक के बाद आप देख सकते हो बिल्डिंग टूट चुकी है, और क्या है तो किंग कॉन्ग पे चढ़ चुकी है। आज क्या रहे से बीत के और शायद हरा के बाहर निकलेंगे। तो ये किंग कॉन्ग पे क्या उन्होंने किया अटैक, क्या रू मार दे किंग कॉन्ग का। जो फेमस लोग थे उनकी फेमस चीजें हैं, जैसे यहाँ पे ये बुक आपको मिलेगी, हैरी पॉटर बहुत फेमस है, सभी जानते हैं। और वो लोग यहाँ पर आए हैं, उनके पिक्चर्स भी हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, इधर आप ये देखो रेडियो सिटी का पिक्चर, ये है यहाँ से न्यूयॉर्क शहर। सो ब्यूटीफुल, मतलब पता नहीं बोर्ड में वीडियो में आपको कैसा लगेगा, बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे क्या दिख रहा है। और अब मैं फोन आगे करने जा रही हूँ, ऐसा ना हो मेरा फोन नीचे गिर जाए। It's for you from the Empire State Building, and for you as well. You're very welcome. Have a great visit. Bye-bye. Thank you. हम लोग डिनर करने पहुंच चुके हैं फाइनली 28th स्ट्रीट पे। मतलब एक के बाद एक रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट है, बहुत सारे बंद हो गए थे जहाँ हम जाना चाहते थे, बट फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट खुला मिला जिसका नाम है ढाबा रेस्टोरेंट। तो हम आ चुके हैं ढाबा में, ऑर्डर कर दिया है, लेकिन अभी हमारा खाना नहीं आया है। क्यारू ने अगेन पानीपुरी ऑर्डर कराया और पापड़ी चाट ऑर्डर करी है, तो देखते हैं यहाँ का खाना कैसा होगा। तो हमें लग रही है भूख, बहुत तेज भूख। पापड़ और अचार और चटनी आ चुके हैं, अभी सब्जी से वेट कर रहे हैं अपने खाने का। ये है 3rd Avenue साउथ, और हम थे यहीं पर पीछे खा रहे थे खाना।
इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये है भट्टी, इंडियन ग्रिल, सब इंडियन। और अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल, और ये है न्यूयॉर्क। रात के बज रहे हैं 12 और मेरा बिल्कुल मन नहीं है न्यूयॉर्क फिर भी जाने का। मेरा मन है कि मैं 1 घंटा सड़क में वॉक करूँ, लेकिन हमें कल सुबह उठना है और उठ के हमें जाना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो अब जाना पड़ेगा घर पे, सोना पड़ेगा क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के क्रूज के लिए निकलना है। कैब आ चुकी है, हम कैब में बैठ चुके हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे, रात हो गई, होटल जा रहे हैं, खाना खा लिया, ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल सुबह मिलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए। बाय। ये रही वो बिल्डिंग लंबी वाली जिसे मैं देखती रहती हूँ। ना हाँ यही तो है। तो ये आ गए हैं हम, आज जा करिए ना कुछ भी हो जाए स्टारबक्स। हाँ तो ये जो स्टारबक्स नीचे नीचे है, इसके ऊपर है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एंड स्टारबक्स। तो ये है हमारा न्यूयॉर्क शहर, जो सबको अपना बना लेता है, और मेरा तो दिल खुश हो गया न्यूयॉर्क में आके। ऐसे मुझे फीलिंग आई थी सेम जब मैं दिल्ली आई थी पहली बार, मुझे दिल्ली नोएडा इतने अच्छे लग गए थे, फिर मैंने सोचा था मुझे यही जॉब करनी है, न्यूयॉर्क में जॉब करनी। फेमस फुटवेयर, फुट लॉकर, टी मोबाइल, स्केचर्स, ओल्ड नेवी, फॉरएवर 21, कल इसके सामने बहुत देर घूमे, सबवे, 1-2-3, एटीएम, सबवे। कल फॉरएवर 23 सामने बहुत देर, हमेशा दवाई लो और हमेशा।